हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ आर एन एस टेक। तो आज की इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि बायोटेक स्टूडेंट्स के लिए, जो बीटेक बायोटेक स्टूडेंट्स हैं या जो एमएससी बायोटेक स्टूडेंट्स हैं, उनका करियर पाथ क्या होना चाहिए। मतलब बीटेक बायोटेक स्टूडेंट्स जब वो कर रहे होते हैं तो उनको लगता है कि उनके लिए कैंपस में कोई कंपनी नहीं आती है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज सॉफ्टवेयर की आती हैं या जो कोर ब्रांचेज हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की है, मैकेनिकल की है, वो आती हैं। तो बायोटेक स्टूडेंट्स हमेशा ये रहते हैं कि यार हम बायोटेक करियर कंप्यूटर साइंस में करियर बनाएं या बायोटेक में ही बनाएं अपना करियर। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो बायोटेक मजबूरी में लेकर बीटेक करते हैं या उनको कोई और ब्रांच मिल नहीं रही होती, वो सोचते हैं कि हम लोग ब्रांच चेंज कर लेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन लोगों ने शौक से बायोटेक ली थी, क्योंकि वही लोग आगे चलकर बायोटेक में करियर भी परस्यू करना चाहेंगे। अब देख लीजिए, करियर की बात अगर आप करें तो इसमें मोटे मोटे बायोटेक स्टूडेंट्स के लिए दो मोटे मोटे करियर्स हैं। एक आपका है एकेडमिक का करियर, एक आपका है इंडस्ट्री का करियर। और अब जैसे जैसे सिनेरियो बदल रहा है, पहले तो सिर्फ एकेडमिक्स में ही आपकी पीएचडी या हायर डिग्री मांगते थे, इंडस्ट्री में नहीं मांगते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इंडस्ट्री भी आपकी हायर डिग्री या पीएचडीज को प्रेफर करते हैं। तो अब मेरे इवैल्यूएशन पर्सनल क्या है, मैं ये मानता हूँ कि आपको पीएचडी तो करनी ही पड़ेगी अगर आप बायोटेक में सर्वाइव करना चाहते हैं या बायोटेक में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं। लेकिन अब उसके पीछे की स्ट्रैटेजी है कि आपको कब किस टाइम पे पीएचडी करनी है। अगर आपको एकेडमिक्स में करनी है तो आपको मेरे हिसाब से लगातार बीटेक के बाद एमटेक करनी चाहिए, उसके बाद डायरेक्ट पीएचडी कर लेनी चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपको बीटेक के बाद इंटीग्रेटेड पीएचडी मिल जाए तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आपका एमटेक का जो एक साल है वो बच जाता है। और फिर ये कोशिश करनी चाहिए कि आपकी पीएचडी 3 या 3.5 साल में ख़त्म हो जाए, तो यानी कि आपकी जो फुल स्टडी है 4 साल की बीटेक और 4 साल की ये समझ लीजिए पीएचडी, 8 साल के बाद आप जो है किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, या फिर आप पीडीएफ करने के लिए भी आप एलिजिबल हैं, जहाँ पे आप किसी दूसरी कंट्री में जाकर पीडीएफ कर सकते हैं। लेकिन मैं आज एकेडमिक्स वाले पोर्शन पर फोकस नहीं करता हूँ, क्योंकि एकेडमिक्स के लिए बहुत सारी वीडियोस पहले से अवेलेबल है यूट्यूब पे, अब आप देख सकते हैं कि एकेडमिक करने के लिए क्या क्या एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। मेरा मुद्दा आज इस वीडियो का है कि आप अगर इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखो, ऐसा नहीं है कि बायोटेक की इंडस्ट्री है नहीं इंडिया में, या बायोटेक इंडस्ट्री में नौकरियाँ नहीं हैं, ये सब चीज़ें नहीं हैं। ये सब चीज़ें लोग स्टूडेंट्स को मिथ है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि स्टूडेंट्स ही कंपनी है, बायोटेक कंपनी क्योंकि आती नहीं है कैंपस में रिक्रूटमेंट के लिए, कि इसलिए वो सोचते हैं कंपनीज है ही नहीं इंडिया में, या फिर वो सोचते हैं कंपनी है और लेकिन जॉब्स नहीं है। तो आज मैं बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जॉब्स हैं, कंपनीज भी हैं, सिर्फ आपकी स्किल सेट पर निर्भर करता है कि आप वो जॉब लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, या आप उसकी क्वालिफिकेशन मैट करते हैं या नहीं करते हैं। सिर्फ डिग्री आपको कोई जॉब लेने के लिए एलिजिबल नहीं करती है। सिर्फ आप अगर आप कहें किसी कंपनी में जाकर के बीटेक बायोटेक की डिग्री लेकर के मुझे जॉब दे दीजिए, तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अनलेस एंड अंटिल यू प्रूव योर वर्थ टू देम। भाई वो बिजनेसमैन है, वो आपसे कुछ, आप उसको अपना स्किल सेट देंगे या आप अपना स्किल सेट बेच रहे हो जिसके एवज में आप उससे पैसे ले रहे हैं मंथली, वो आपको फ्री में बैठ के तो खिलाएगा नहीं, तो सीधी सी बात है। तो अब मेरा मुद्दा ये है कि आप इंडस्ट्री में एंट्री कैसे कर सकते हैं। जो लोग बीटेक कर रहे हैं, ये जो फाइनल ईयर में, उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। जिस पैटर्न को फॉलो अगर आप करेंगे तो आप किसी भी इंडस्ट्री में आप एंट्री कर सकते हैं। स्टार्टिंग आपकी बेशक ज़ीरो से होगी या कम पैसे से होगी। कम पैसे का मतलब मेरा ये नहीं है कि आपको 10,000 या 15,000 से शुरुआत करना पड़ेगी, बट फिर भी उतनी नहीं होगी जितनी आपकी सॉफ्टवेयर के काउंटर पार्ट से मिलती है, कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके दोस्त होते हैं कि 20 लाख का पैकेज लग गया या 10 लाख का पैकेज लग गया, ये आप लोग बात मान के चलनी पड़ेगी, क्योंकि बायोटेक इज़ ए कॉस्टली प्रोसेस। आपको बहुत सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉस्टली है इनपुट में, और आउटपुट उसका उतना है, बट द कंपनीज आर नॉट ट्रांसफरिंग दैट आउटपुट टू द एम्प्लॉइज़। वो अपनी जेब में वो सारा काम रखना चाहती हैं, जबकि कंप्यूटर साइंस में बेसिकली क्या होता है कि बाकी जो को इंडस्ट्री है कंप्यूटर साइंस की, उसमें आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए या आपको एक मशीन चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मशीन सस्ती आती है, बट इट इज़ अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आपको रोज़ कंज्यूमेबल नहीं चाहिए, आप रोज़ कंप्यूटर खरीदने नहीं जाते हैं। रोज़ आप खरीद, हो सकता है कि आप सॉफ्टवेयर भी नहीं खरीदते, आप महीने में या साल में एक बार का सब्सक्रिप्शन लेते हैं उस सॉफ्टवेयर का। तो खैर वो सब चीज़ छोड़े, मैं फिर मुद्दे से भटक जाऊँगा। मेरा मुद्दा था कि यार आपको करना क्या है। तो मुद्दा अब शुरू करते हैं। जैसे आप बीटेक फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपका एक सेमेस्टर जो आपका इंटर्नशिप का होता है, या अगर आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी में वो एक साल का एक सेमेस्टर का इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट बेस्ड इंटर्नशिप वो नहीं है, तो
तो आप बीटेक ख़त्म करने के बाद इंटर्नशिप कर सकते हैं, और जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में है उन लोग स्टूडेंट्स जो आपका सेवन्थ या एट्थ सेमेस्टर आपका इंटर्नशिप का सेमेस्टर होता है, तो उसमें आपको क्या करना है, वो सेमेस्टर शुरू होने से पहले आपको कुछ इंडस्ट्रीज़ ढूंढनी है जहाँ पर आप अपनी इंटर्नशिप कर सकें 6 महीने वाली। कोशिश करिए कि आपकी इंटर्नशिप लगे बायोप्रोसेस या फर्मेंटेशन की इंडस्ट्री में, क्योंकि ये आप मानकर चल लीजिए स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगता है मॉल बायो में काम करना, बट इंडिया में मॉल बायो का काम इंडस्ट्रीज़ बहुत कम करती हैं, क्योंकि मॉल बायो बेसिकली आपका R&D से रिलेटेड काम है और इंडिया में प्रोडक्शन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ अभी ज़्यादा हैं। तो प्रोडक्शन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का पर्पज़ क्या है कि प्रॉफिट मेकिंग, वो प्रॉफिट मेकिंग होती है आपकी फर्मेंटेशन या बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग के फील्ड में। आपको कोई सॉल्ट प्रोड्यूस करना है, आप किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई सॉल्ट या कोई मॉलिक्यूल आइसोलेट कर रहे हैं, उसको आप मास प्रोड्यूस कर रहे हैं और आप उसको फर्दर कहीं किसी तीसरे आदमी को बेच रहे हैं। तो आपका मुद्दा होना चाहिए कि मैं किसी बायोप्रोसेस की इंडस्ट्री में एक 6 महीने की इंटर्नशिप पहले सिक्योर करूँ। कोशिश करें कि अगर कोई अच्छी कंपनी मिल जाए, बहुत बड़ी कंपनी जैसे बायोकॉन है या आपकी फाइजर है, ये इन कंपनीज़ के आपने R&D सेंटर हैं फर्मेंटेशन पे जो बहुत मोस्टली काम करते हैं, जैसे डॉक्टर रेड्डीज़ है, फर्मेंटेशन पे ही एक लोग इंडस्ट्री काम करती हैं। तो कोशिश करें कि ये इंडस्ट्री आपको इंटर्नशिप के लिए मिल जाए। मैं आपको एक प्रोसेस भी बताऊंगा वीडियो के एंड में कि आप इस इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और या उनका कोई मिलने का एक टेक्निक भी बताऊँगा कि आपको चांसेस आपके कैसे बढ़ जाते हैं आप अगर आप वो फॉलो करेंगे। उसके बाद आप क्या करें, आपने 6 महीने की इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली अपनी, कोशिश करें कि आप अपना इंटर्नशिप में बेस्ट दें और वहाँ पर आप अपना PPO सिक्योर कर सकेंगे, प्री प्लेसमेंट ऑफ़र की आप वो कंपनी आपको जॉब ऑफ़र वहीं के वहीं कर दे आपकी 6 महीने की परफॉर्मेंस देख के, ठीक है। उस दौरान अब आपको क्या करना है, अभी आप मान लीजिए आपने इंटर्नशिप कर ली, आपको PPO मिल गया है, अब आपको अगले दिन से ज्वाइन करना है, अब आपको 1 साल उस कंपनी में काम करना है। 1 साल अब आप उस कंपनी में काम करेंगे तो आपके थोड़े कॉन्टैक्ट्स डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि आप भाई नॉर्मल सी चीज़ है कि आप लोग जो भी दोस्त हैं आपके बन जाएंगे, कुछ आपके जो बॉसेस हैं उनसे आपकी थोड़ी अच्छी ट्यूनिंग हो जाएगी। तो अब आप क्या करना है, अब आपको M.Tech करने के लिए जाना है। अब मैं ये सलाह उन लोगों के लिए नहीं है जो एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, जो इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, वो जो 1 साल में आप जॉब कर रहे हैं उस 1 साल में आप अपनी GATE की तैयारी भी करिए। GATE की तैयारी आराम से हो जाती है, और आपको ऐसा लगता है कि बहुत हाईफाई एग्ज़ाम GATE का होता है बायोटेक का, तो कोई हाईफाई एग्ज़ाम नहीं होता, 1 या 2 महीने की तैयारी में निकल जाता है। और आपके पास अगर 1 साल है तो 1 साल में तो आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं GATE में, अगर आप थोड़े से सिंसियर हैं, 1 या 2 घंटा अगर आप डेली का दे सकते हैं। उसके बाद कोशिश करिए कि IIT मिल जाए आपको, IIT में भी फोकस करिए कि आपको वो IIT मिल जाए जो बायोप्रोसेस फोकस्ड काम कराती है, जैसे IIT BHU है वहाँ पर प्रोग्राम चलता है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग का, आपका IIT दिल्ली है वहाँ पर एक बायोकेमिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम चलता है, IIT मद्रास है वो तो मॉल बायो बेस्ड ज़्यादा है बट वहाँ पर भी फर्मेंटेशन का काम होता है, IIT बॉम्बे है, ये तो IITs की बात हो गई। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी रैंक उतनी नहीं है कि आप IIT में भी जा सकें, तो कोई डरने की बात नहीं है, कोई मायूस होने की बात नहीं है, बहुत सारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ क्या करती, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ पर फर्मेंटेशन का काम होता है, जैसे थापर यूनिवर्सिटी है, MET यूनिवर्सिटी है, ये भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर फर्मेंटेशन बेस्ड आप काम कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, अब 1 साल का होता क्या है M.Tech में, नॉर्मली 1 साल का आपका कोर्स वर्क होता है और आपका 1 साल का आपका पूरा प्रैक्टिकल थीसिस होती है, जहां आपको पूरा प्रैक्टिकल 1 साल का रिसर्च वर्क करना होता है। तो आप 1 साल का कोर्स वर्क कीजिए, फिर जब आपका 1 साल का थीसिस का टाइम आएगा तो आप उसी इंडस्ट्री में वापस जाइए थीसिस करने के लिए अपनी, जिस इंडस्ट्री को आप छोड़कर M.Tech करने ज्वाइन की थी आपने। अब आपको वहाँ पर ईजी होगा वहाँ पर एंट्री होना, क्योंकि आपके वहाँ पर पहले से कॉन्टैक्ट्स हैं, तो आप उनको अपने बॉसेस को कहिए, अपने फ्रेंड्स को कहिए कि सर मुझे 1 साल की इंटर्नशिप करनी है, तो वो 1 साल की पेड इंटर्नशिप भी आपको मिल जाती है। उसमें आपको कुछ पैसे आपको GATE से मिल रहे होंगे, कुछ पैसे आपको इंटर्नशिप से मिल रहे होंगे, तो आपका खर्चा चल जाएगा। तो अब ये 1 साल आप वहाँ पर इंटर्नशिप करें, आपने जब वहाँ इंटर्नशिप करी आपके कॉन्टैक्ट्स और बढ़ेंगे। अब आपको 2 साल हो गए उस इंडस्ट्री में, तो 2 साल में आपके ठीक ठाक कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं। अब आप जैसे M.Tech की थीसिस ख़त्म होती है, आप अपनी थीसिस सबमिट कीजिए और उसी इंडस्ट्री में, क्योंकि आपके पहले से जुगाड़ हैं वहाँ पर, तो पहले से उनको बात कर लीजिए कि 1 साल में ही इंटर्नशिप में कि भैया मुझे अपनी M.Tech ख़त्म करने के बाद वापस यहीं ज्वाइन करना है। जैसे ही आप वहाँ M.Tech थीसिस सबमिट करें, उधर आप अपने कि जिस इंडस्ट्री में आपने इंटर्नशिप करी है वो इंडस्ट्री को आप अपना ज्वाइन कर लीजिए, फिर से आप 1 साल इंडस्ट्री में काम करें, फिर से आपके थोड़े कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे। अब क्या होगा कि अब आपको PhD करनी है, आपका टारगेट PhD करने का है, तो अब आपको, क्योंकि आपकी थोड़ी उम्र भी हो जाती है, आपको लगता है कि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट हूँ, अपने घर वालों से पैसे ना लूँ,
तो अब आपको क्या करना है, हर इंडस्ट्री में एक रूल होता है कि आपको सबैटिकल लीव मिलती है। सबैटिकल लीव का मतलब क्या है कि आपको इंडस्ट्री स्पॉन्सर करती है पीएचडी करने के लिए। तो अब उसमें पीएचडी इंडस्ट्री स्पॉन्सर करती है, जो आपकी सैलरी होती है वो हर इंडस्ट्री का अलग अलग रूल है, कोई आधी सैलरी पर देता है, कोई फुल सैलरी पर भी देता है, तो वो आपको अपनी इंडस्ट्री में चेक करना पड़ेगा। उसमें भी मैं ये मुद्दा मेरा क्या है कि आपको पेड इंटर्नशिप, पेड पीएचडी आपकी होगी। और अगर आप किसी आईआईटी में पीएचडी करते हैं तो आपकी ये समझ लीजिए इंटर्न जो पीएचडी का स्टाइपेंड है 30,000 रुपये के आसपास आईआईटी आपको देती है, और 30,000 के आसपास या आपकी जो भी सैलरी होगी उसके उतने ही के आसपास आपको अपनी कंपनी से मिल जाएगा। तो आपके 40-50,000 रुपये आपके बन जाएंगे। अब आप ये समझ लीजिए वो थीसिस आपको 3 या 4 साल में सबमिट करनी है पीएचडी। अब जैसी वो थीसिस सबमिट होती है वैसे आप फिर से इंडस्ट्री में ज्वाइन कर लीजिए। बस अब आपका क्या होगा कि अब आपका एक पाथ सेट हो गया कि आपको बिना कोई पैसे खर्च करें आपने सारी एजुकेशन पूरी कर ली अपनी और आपको इंडस्ट्री में जॉब भी मिल गई। ये बात मानकर चल लीजिए कि इंडस्ट्री में जॉब जो है वो आज की तारीख में रेफरल बेस्ड है। आपकी जो भी सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनीज हैं वो हो सकता है आपका वॉकिंग कराती हो, लेकिन इंडस्ट्री जो बायोटेक की है वो रेफरल बेस्ड है। आपका कोई ना कोई उस इंडस्ट्री में लिंक होना चाहिए पहले से एंट्री करने के लिए। एक बार एंट्री करना मुश्किल है, उसके बाद तो सब आपकी काबिलियत के ऊपर है, सब आपके टैलेंट के ऊपर है, सब आपके हार्डवर्क के ऊपर है कि आपके बॉसेज आपसे कितना खुश रहते हैं। उसके बाद आपने पीएचडी ख़त्म कर ली, आपने अपनी थीसिस सबमिट करी, आपने वापस अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली, बस धीरे धीरे आपका करियर में प्रमोशन होता रहेगा। धीरे आप ज़रूरी नहीं है कि आप सारे दिन लैब में ही रहेंगे, आप तो 2-4 साल काम लैब में काम करने के बाद आप मैनेजर की पोस्ट पे प्रमोट हो जाएंगे, तो फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड काम हो जाता है सारा काम। तो सारी ज़िंदगी तो आप लैब में काम नहीं कर सकते फर्मेंटेशन की, तो उसके बाद आपको धीरे धीरे प्रमोशन होते जाता है। तो ये पूरी लाइफ साइकिल है एक बायोटेक के स्टूडेंट्स के लिए, जो मैं चाहता हूँ कि फॉलो करनी चाहिए। मैंने भी कोशिश कर दी है फॉलो करने की, मैंने भी सीखा था ये कि जब इंडस्ट्री में काम कैसे करते हैं तो एंट्री कहाँ से ले। और क्योंकि मुझे तो कोई आइडिया नहीं होता था कि बायोटेक कंपनीज हमारे यहाँ भी नहीं आती थी, बल्कि मैंने तो अब आज की तारीख में फिर भी काफ़ी स्कोप आ गया है। मैंने तो 2008 में बीटेक कंप्लीट करी थी, उस टाइम पे कुछ भी नहीं होता था हमारे कॉलेज में, बी बायोटेक की कंपनी का बी भी नहीं आता था और हमें कुछ भी नहीं पता चलता था क्या करना है क्या नहीं करना। तो आई हैव लर्न दिस इन अ हार्ड वे। तो मेरा मोटो इस चैनल पर ये है कि मैं जितने बायोटेक के स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प कर सकूँ। अब जो मैं आपको एक टेक्निक बता रहा था कि आपको इनसाइड नॉलेज कैसे लेनी है उस कंपनी की, कि उस कंपनी में आपको एंट्री मिल सके या कोई आपका लिंक होना चाहिए, इसका सबसे इजी एग्जांपल है जो मैंने खुद पे ट्राई किया था। वो ये था कि हम लोग सब सोशल मीडिया पे हैं जिसको दिन रात फॉलो करते रहते हैं। हम में से कितने स्टूडेंट्स, मैं यहाँ जानना चाह रहा हूँ कि कितने स्टूडेंट्स आपने लिंक्डइन पे आपने प्रोफाइल बनाया हुआ और उसको एक्टिवली यूज़ करते हैं। लिंक्डइन आप ये समझ लीजिए इस आपको मार्केटिंग या समझ लीजिए कि आपका एजुकेशन बेस्ड में, आपकी जॉब बेस्ड में एक बहुत पावरफुल टूल है। जितने भी बड़े बड़े आपके सीईओ हैं या जो भी बड़े बड़े मैनेजर्स हैं जितनी भी कंपनीज के, वो सब लिंक्डइन पर हैं। और फेसबुक पे आप उनको ढूंढ नहीं सकते, लिंक्डइन पे वो बड़े आपको और आसानी से मिल जाते हैं। तो मैंने जो किया था अपनी एमटेक के टाइम पे, जो मैंने अपनी थीसिस बायोकॉन में अप्लाई करने के लिए किया था, मैंने यही प्रोसेस किया था। बाय द वे मैंने अपनी थीसिस एमटेक की थीसिस बायोकॉन में की थी, बायोकॉन बैंगलोर में, उसके बाद फिर मैंने अपनी पीएचडी अभी फिलहाल में कर रहा हूँ। तो मुद्दा क्या था कि आपको लिंक्डइन पे पेड प्रोफाइल बनाना है, क्योंकि आप लिंक्डइन में जैसे आप फेसबुक पे किसी भी को मैसेज कर सकते हैं, लिंक्डइन पे आप सबको मैसेज नहीं कर सकते। यही उसकी खास बात है कि आप उसमें आप भसड़ नहीं मचती है सब लोगों की, एक दूसरे को मैसेज करे जा रहे हैं कि, इसलिए बड़े बड़े लोग उस पर प्रोफाइल पर बनाते हैं जो बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज हैं। तो अब उसमें आप एक पेड प्रोफाइल बनिए, उसमें आपको कुछ लिमिटेड मेल्स मिलती हैं पेड प्रोफाइल में कि आप इतने लोगों को इतने महीने में ही मेल कर सकते हैं। अब आप ढूंढिए उसमें इंडस्ट्री के लोग जो आपकी बायोटेक की इंडस्ट्री में लोग हैं, एचआर मैनेजर ढूंढिए, साइंटिस्ट ढूंढिए, मैनेजर्स ढूंढिए, उन लोगों को मेल करिए कि मुझे ऐसे ऐसे, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये मेरा सीवी है, मुझे 6 महीने की इंटर्नशिप आपके अंडर में करनी है फर्मेंटेशन बेस्ड। तो जैसे आपको ये, और ये बात समझ लीजिए कि आप अगर 100 मेल करेंगे तो हो सकता है 4 या 5 का ही रिप्लाई है। तो डोंट लूज हार्ट, बहुत मेहनत लगती है ऐसे मेल भेजने में, और गलत मेल मत भेज देना। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं तो नाम किसी और का होता है और कंटेंट नीचे कुछ और होता है, तो ये ध्यान रखिएगा आप मेल भेजते हुए। मेल आपको उनको भेजिए, और एचआर मैनेजर तो रिप्लाई कर देते हैं, साइंटिस्ट हो सकता है वो रिप्लाई ना करें, लेकिन एचआर मैनेजर रिप्लाई कर देते हैं। फिर उनसे आप धीरे धीरे कॉन्टैक्ट करिए कि भाई मुझे वो आपका इंटरव्यू शेड्यूल करा देंगे। तो आपकी एंट्री सिर्फ इसी पॉसिबल पॉइंट से हो सकती है, या फिर आपका कोई पर्सनल लिंक है किसी इंडस्ट्री में, वो एक अलग चीज़ है कि वो मतलब जनरली लोगों का होता नहीं है स्टूडेंट्स का, क्योंकि उनके मम्मी पापा किसी और दूसरे बैकग्राउंड से होते हैं या कोई कज़न कोई
बहुत रेयरली होता है, मेरा कोई नहीं था, तो मैंने यही किया था कि आपने लिंक्डइन पे पेड प्रोफाइल बनाया था, 500 रुपये का उस टाइम पे बनता था, तो उसके बाद मैंने HR को मेल किया था, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था और उन्होंने सीधा मेरे को ज्वाइनिंग कर दी थी। तो बस ये वीडियो में मैंने उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाई है कि हेल्प करने के लिए कि जो लोग ये सोचते हैं बाटेक में करियर इंडस्ट्री में कैसे बनाएं। एकेडमिक्स में तो सबको पता है कि आप बीटेक एमटेक पीएचडी रेगुलर बिना गैप के करिए, उसके बाद हो सकता है आप अगर आपको पीडीएफ करने का मौका मिले तो पीडीएफ करिए, फिर आप अकेडमिक में किसी असिस्टेंट प्रोफेसर में किसी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर सकते हैं। इंडस्ट्री में एंट्री करने का ये आपका तरीका है। ओके, थैंक यू।